कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होगे, घर पे सब सेफ होगे। सो आज की जो वीडियो है ये कुछ अलग टॉपिक पे बनाई है। बेसिकली द थिंग इज कि पिछले काफी दिनों से मैं थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, बट देन एक दो वीडियोस मैंने देखी एंड देन आई थॉट कि एक वीडियो मेरे को भी बनानी चाहिए, सो दैट मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करूँ एंड फिर उनका इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग। सो बेसिकली द थिंग इज फ्रॉम लास्ट 8 to 10 days, 10-12 दिन से घर पे मम्मा सुबह सुबह काफ़ी खाना बनाती है एंड देन मैं मेरे मामा के आगे कोई एनजीओ है, कोई बहुत बड़ी टीम है उनकी, तो सारा फूड वो कलेक्ट करके एंड देन दे सर्व इट टू द नीडी वंस, जितने भी गरीब लोग हैं उनको सर्व करते हैं। सो ये तो मैं रोज़ लेके जाता ही हूँ, अराउंड 10-12-15 दिन हो चुके हैं तो उनको देता हूँ एंड वो फिर आगे अपना जो भी जैसे ट्रांसफ़र होता करते हैं। एंड इस बीच में काफ़ी सारे मैंने स्ट्रीट पे बेगर्स तो नहीं, बट हाँ ऐसे कुछ लोग देखे जिनका घर वर नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिलता, जो सिर्फ रोड पे सोते हैं, उधर ही पड़े रहते हैं सारे दिन, सुबह शाम दिन रात। तो उनके लिए फिर मैंने कुछ छोटे छोटे एसेंशियल्स इकट्ठे करे थे, तो उसकी डिटेल तो मैं नहीं बना पाया, वीडियो नहीं बना पाया क्या क्या था उसमें, बट बता देता हूँ। एक उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल थी जिससे थोड़ा ठीक रहे, मतलब वो रीयूजेबल भी है, पानी वगैरह डाल के यूज़ भी कर सकते हैं वो उसको। एंड देन एक उसमें बिस्किट का पैकेट था, इट वाज अ क्रीम बिस्किट बिकॉज पार्ले जी नहीं खा पाते लोग, तो ठीक है थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। एंड देन उसके बाद एक टैंक का पाउच था जो उसी बॉटल में डाल के वो रीयूज़ कर सकते, 2-3 बार बन जाएगा वो। एंड एक दो चीज़ें और थी, एक पीनट का पैकेट था, हल्दीराम का पीनट्स आता है उसका पैकेट था, जिससे थोड़ी एनर्जी वगैरह, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसा भी जो आप करना चाहो देना चाहो। सो बेसिकली अभी जो मैंने आगे व्लॉग बनाई है, एक तो उसमें एक तो कमी है कि बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग एन एक्सटर्नल माइक, वो भी 15-20 दिन बाद आएगा करोलबाग से लेके आऊँगा जब मार्केट्स खुलेगी, या फिर चांदनी चौक जाना पड़ेगा कैमरा मार्केट में। तो एनीवेज वो एक अलग चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग इज कि मेरे को पता नहीं लगा और मेरा जो कैमरा एंगल था वो थोड़ा नीचे था आज, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो अभी आप वीडियो देखो, फिर बाकी की बातें मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है? तो एक बॉक्स में है दाल, ये 10 चपातीज है, 5-6 परांठे है, उसमें आलू गोभी एंड कुकर में शायद छोले है। सो गाइस अभी क्या है ना, मैं निकल चुका हूँ एंड अभी यूटर लेके वापस जा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे को अभी 2-3 लोग दिखे हैं जो फुटपाथ पे ही है, खाना खा रहे हैं। तो सामान देख लो ये सब है और 2 पैकेट्स इनको भी दे देता हूँ। भाई चमगादड़, तू मेरे को जाने दे, चल भाई। अब जैसे ये आंटी है इनको कोई जरूरत नहीं है, ये खड़ी है फालतू में, तो नेवर, इनको देने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये आगे देखते हैं कोई ना कोई तो मिलेगा, लेट्स सी, चलते हैं। ये देखो इनको भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब पता नहीं यार क्यों ये कुछ काम नहीं करते, सड़कों पे घूमते रहते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता। तो अभी घर से अराउंड 15 किलोमीटर आ चुका हूँ एंड मेरी डेस्टिनेशन तो इधर ये राइट में ही है, बट एक बार आगे चल के देखते हैं अगर कोई मिलता है तो। दिखा एक भैया, ये ले लो। तो ऐसे से मिले तो फायदा है, वो भी बेचारा ऐसे पड़ा हुआ था, पता नहीं क्या खाते होंगे क्या पीते होंगे। तो अभी इसमें क्या है ये मैं घर जा के बता दूंगा, वैसे तो पहले खोल देना चाहिए था, बट एनीवेज अब यहाँ पे रोड पे तो नहीं खोल सकता। तो
अभी मैं लेन के एक साइड से हुआ बिकॉज यहाँ पे ऐसे लेटे हुए दो तीन और दिखे थे मेरे को, वो देखो खा रहा है। वाह यार यही तो सही है, बंदे ने तभी खोल के खा भी लिया, मतलब समझो उसके अंकल को सफल हो गया सब कुछ। तो देखिए ना खाते हैं, यही फीलिंग थी भाई उसके लिए जिंदगी में, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। तब ये काम करते ना ये भाई बेचारे बैठे हैं घर से बेघर, अलग देखो हाथों में देखो उनके बेचारों के कुछ भी नहीं है। हाँ जी भैया, भैया वो भी है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, यहीं रहते हो, काम वाम काम चल रहा है करते हो, नहीं चलो ऐसे जरूरत नहीं थी मेरे को थोड़ा बायोडेटा देने की, बस फिर पता होना चाहिए। अरे रेड लाइट एक तो इन्होंने अलग दुखी कर रखा है, ट्रैफिक रेड लाइट इसलिए दिल्ली पसंद ही नहीं है। तो अब ये जो घर का खाना था ये सारा मामा को हैंड ओवर कर रहा हूँ और वो आगे अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे भी उनकी टीम है जो भी है। तो छोटा सा योगदान ये रहा, बाकी मिलते हैं आगे। तो अभी जस्ट एक बंदा दिखा, अब इसको चुपचाप से पैकेट पकड़ा देता हूँ वरना और लोग आ जाएंगे। और भाई ये मामला तो लग भी थोड़ा रिस्की सा रहा, प्लस बेचारे के हाथ हाथ तो ठीक है पैरों में दिक्कत है, तो भाई चुपचाप से पकड़ा देते भाई साहब को। हाँ जी भैया क्या काम करते हो, ये लो ठीक है खा भी लेना। अब निकल लो, तो अभी थोड़ा सा रॉन्ग वे जा रहा हूँ एकदम एक्सट्रीम राइट से, क्योंकि अभी एक आंटी दिखी है और दो बच्चे हैं। तो द थिंग इज दैट इफ दी शी इज नॉट बेगिंग, मतलब कर तो मेहनत ही रही है ना, तो बनता है यार हमारा मित्र देना। क्योंकि अगर वो सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको ड्यूटी क्या कर रहे हैं। भाजी सामने बैठो, तो अरे ये तो बच्चे जा रहा है, चलो दे देते आंटी ये ले लो। तो ठीक है मैंने पूरे पकड़ा दिया, ऑल दिन किए स्विमिंग पूल एटी एम वाले खिलौने खिलौने हैं, बट कंडीशन देख लो एंड इन्होंने भी वही करा थे। सो गाइज आई होप आपने देख ली होगी पूरी वीडियो एंड अच्छा लगा होगा। सो मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि वीडियो बना के शो ऑफ काइंड ऑफ थिंग करना, ये मैं बिल्कुल नहीं करता एंड अच्छा भी नहीं लगता कि भाई तुम कुछ कर रहे हो तो उसको दिखाओ, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। तो बेसिकली इसमें ये था कि आपने देखा कितने गरीब लोग थे जिनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो ये सब उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए था। एंड वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि यार देखो अगर मेरी वीडियो को 1000 लोग भी देखते हैं तो 1000 लोगों के पास अगर पहुँचती है तो एटलीस्ट 500 लोग देखेंगे, 500 में से अगर 100 लोग भी उसको मतलब इस वीडियो को सही यूज़ में लेते हैं, लाइक कुछ सीखते हैं कुछ मोटिवेशन मिलती है, 100 लोग अगर 5 लोग को भी देते हैं या 10 लोग को भी देते हैं, तो एक वीडियो मेरी एक वीडियो बनाने से 500,000 लोगों को बेनिफिट हो रहा है। एंड और कुछ चाहिए भी नहीं, इस वीडियो का पूरा क्रेडिट आपको ही जाएगा ऑब्वियसली, अगर 500,000 लोगों का बेनिफिट हो रहा है तो उससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए बताओ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं 2-3 दिन बाद फिर से जाऊँगा, बट लेकिन ऑब्वियसली बात है व्लॉग या वीडियो नहीं बनाऊँगा, बिकॉज पता ही आपको कि जो करो बिना बताए करो बिना शोर करे करो, उसी में मज़ा आता है। हाँ एंगल चलो चेंज करते हैं, सो आएगा सब थोड़ा ठीक होगा। सो बेसिकली हाँ ये बताना था कि किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कैसे लोगों को आपको देना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि रेड लाइट पे जो भीख मांग रहे हैं उनको बिल्कुल मत दो, क्योंकि यार उनके हाथ पैर सबसे सलामत है, वो लोग काम कर सकते हैं, बट हाँ उनको ज़रूर दो।
जो रोड पे सो रहे हैं, जो दिन रात मतलब आपको लगता है कि उधर ही पड़े हैं। जैसे दो चार को मैंने देखा, ऐसा लग रहा था 5-6 दिन से ना नहाए थे, ना कुछ भी करा, और खाना पीना भी बहुत कम मिल रहा था, क्योंकि वो पता नहीं थर्माकोल की छोटी प्लेट्स वगैरह में से क्या कर रहे थे, खा रहे थे। सो उनको बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। तो बस पूरी वीडियो में यही था कि यार अगर मैं कहता हूँ 10-12 लोग भी इसको अप्लाई करते हैं और आगे 10 की हेल्प कर रहे हैं, और अगर 100 और 150 लोग की हेल्प हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मतलब सोसाइटी ऐसी आगे बढ़ती है तो इसको बढ़ाना चाहिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। सो आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड हाँ, मैं इस वीडियो को 3 प्लेटफॉर्म पर डालूंगा। एक फेसबुक पे, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो ऊपर ब्लू कलर का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके और चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे मैंने IGTV पे डाल दूंगा ये वीडियो, तो इंस्टाग्राम TV पे सो वहाँ पे फॉलो करना। एंड लिंक अपना बायो में डाल दूंगा, तो उससे आप यूट्यूब चैनल पर आ जाओगे। एंड यूट्यूब पर तो डाल ही रहा हूँ, तो इन 3 जगह पर डालूंगा, सो दैट मैक्सिमम शेयर हो जाए। और अगर आपको भी थोड़ी सी अच्छी लगे तो दिखाना 2-4 लोगों को। एंड लाइक्स डिसलाइक्स के लिए इस वीडियो पे कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं, सब आपके ऊपर है, जो आपका मन करे। एंड हाँ, ये मैं बता रहा था कि अराउंड एक पैकेट में जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा वो अराउंड 50-60 रुपीज़ का था, मेरे को अंदाज़ा नहीं कितना था एग्जैक्टली। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कितना करना है, कितना नहीं करना, वो आपके बजट पर डिपेंड करता है। सो बस यही था इस वीडियो पर, और फिर आगे मिलते हैं और वीडियोस में। होपफुली देखते हैं कोई ट्रैवल वाली बनती है तो, क्योंकि अभी मैं पूरा सेटअप रेडी कर रहा हूँ, अपनी पूरी स्कूटी रेडी कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट राइड होगी वो शायद राजस्थान साइड की करूँ, मैं भी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई और वीडियो आए। सो बस यही था। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नई वीडियो जल्दी देखें। तो अभी क्या है ना, फ्रिज में पानी की बोतलें भी भर के रखनी है, बाकी अच्छा काम करते रहो, उसका अच्छा फल ही मिलेगा और वो मीठा भी होगा। फल यार, फल मीठा होगा यार। तुम भी Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving.